पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल करेंसी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। काइन मार्केट कैप के मुताबिक दुनिया भर में 8000 से अधिक तरह की डिजिटल करेंसी प्रचलन में है। केंद्रीय आम बजट में सरकार ने भी भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि RBI डिजिटल रुपया यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। यह भारतीय करेंसी का डिजिटल रूप होगा। इसे ब्लॉकचेन के साथ दूसरी अन्य तकनीकों के उपयोग से बाजार में लाया जाएगा। डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा जिसे RBI द्वारा पेश किया जाएगा। यह वैल्यू में भी रुपया की तरह ही होगा, बस यह सिक्के या नोट की जगह डिजिटल रूप में मौजूद होगा। फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग विश्व के शीर्ष 10 धन कुबेरों की सूची से बाहर हो गए हैं। गुरुवार को 26% की भारी भरकम गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण जुकरबर्ग की कंपनी मेटा को $200 अरब का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि ऐसा 2015 से अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब जुकरबर्ग अमीरों के सिर्फ 10 की सूची से बाहर हैं, और इसके कारण ही वे भारतीय बिलियनियर मुकेश अंबानी तथा गौतम अडानी से भी पिछड़ गए हैं।